नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कृषक वित्त में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि चना में उकटा रोग और कोलाराइट रोग आ चुका है सूखता हुआ पेड़, जिसमें नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, फंगस आदि सभी बताए गए थे, जिसमें कि उपचार के लिए, जिसको रोकथाम के लिए हमने इसमें अब ये खाद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का, जिसमें यूरिया 5 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपनी स्वेच्छा अनुसार डाल सकते हैं। फास्फोरस के लिए हम इसमें राखड़ का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो सीड ड्रिल के समय हमने इसमें DAP मिलाया हुआ था, पर अपनी आवश्यकता अनुसार और इसमें 5 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसमें फास्फोरस यानी राखड़ दानेदार ग्रेन्यूल मिला रहे हैं। फंगस की शिकायत के लिए हम इसमें राफिया का ये टेबुकोना सल्फर जोल, जिसमें 10% टेबुकोना सल्फर जोल है और सल्फर जो है 65% है फंगस के लिए, तो इसमें टेबुकोना जोल है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिशंस के लिए हम इसमें सल्फर यूज़ कर सकते हैं और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी हैं वो आदि सभी इसमें हैं। और मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हम इसमें माइक्रोजय यूज़ कर रहे हैं। ये भी पूरा बायो फर्टिलाइजर्स है, जिसमें बताया गया है कि ये, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि यह फफूंद जड़ आदि सभी पौधों को, जड़ और फफूंदी में जो भी लगता है उन सभी को माइक्रोजा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है, इसलिए फफूंद से बचाने के लिए हम इसमें माइक्रोजा का यूज़ कर रहे हैं। ये भी 5 से 10 किलो की पैकिंग में है, ये 5 किलो की पैकिंग में है, तो इसको हम 2 एकड़ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए अतिरिक्त हम अभी इसमें ये जो जाइम है, विक्रांत की बायो ऑर्गेनिक जाइम है, ये ग्रैनुलस में है, और ये जो माइक्रोराजा है ये पाउडर है, ये भी 10 किलो की पैकिंग में है। साथ ही हम इसे दलहनी फसलों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जो कि इसमें ये लिखा भी हुआ है कि ये समुद्री शैवाल के पास से एक दानेदार प्राकृतिक जैविक उत्पाद है, जिससे अमीनो एसिड, हाइड्रोजनरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एवं जैव एंजाइम और आवश्यक पोषक तत्व है, जो फसलों को स्ट्रेस से बचाता है। यह मिट्टी की शक्ति, जड़ों को फैलाने में वृद्धि करता है, उर्वरक क्षमता में सुधार करता है एवं जलवायु संबंधी तनाव और बीमारियों को सहन करता है, और ये उर्वरक और कीटनाशकों के लिए ज़्यादातर अच्छा साबित होता है। ये भी ये ISO सर्टिफाइड है। इसका यूज़ अभी तो हम ग्रेनुअल में कर रहे हैं, बाकी ये स्प्रे में और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आने वाले टाइम हम इसका स्प्रे भी करेंगे फसलों में, जैसे भी होगा इसका हम फिर आपकी एक वीडियो इसके लिए भी बनाई जाएगी। अब इन सबको बढ़िया अच्छे तरीके से मिला, और इसमें आप देख सकते हैं अन्य और भी क्या न्यूट्रिशंस हैं, क्या क्या केमिकल्स मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें अन्य सारे कई माइक्रो न्यूट्रिशंस भी हैं जो कि अच्छे रिजल्ट इफेक्टिव देते हैं दलहनी फसलों में। माइक्रोराजा जो है इसको फेंकने के लिए, छिड़काव के लिए इसमें बताया गया है कि 1 एकड़ रेत में खेत में बिखरे हैं, खेत में तैयार हो 5 किलो राजा को 100 से 150 किलोग्राम रेत या राख या गोबर या अन्य ऑर्गेनिक खाद के साथ मिलाकर खेत में बिखेर दें, तो जिससे ये अच्छे से उन पर चिपक सके, अच्छे से लेपन हो सके, इसलिए इसको ऐसा बोला गया है। बाकी हम इसमें ग्रेनुअल के रूप में ये यूरिया और राखड़ मिला रहे हैं, जिसकी जगह पर रेत या गोबर की जगह हम इनका यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छी तरीके से इनमें चिपक जाए और मिलने के साथ साथ ये अच्छी तरीके से फेंकाव में आ जाएगा, छिड़काव में। ये हमने माइक्रोराजा खोला, ये इस तरह की पैकिंग में आया था, ये पूरा पाउडर रूप में है, और अभी इसे आगे देखते थे पर हमने ये टेबुकोना और सल्फरजोल मिला दिया है अब, और ये हमने मिला लिया विक्रांत जैन। अब इनको सभी को अच्छी तरीके से मिलाना है, जिससे एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो सके और फिर इनका आसानी से छिड़काव हो सके।